हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद निगम शहर पर मुख्य सेविका परीक्षा से संबंधित ये पार्ट नंबर इक्तीस है इससे पहले आपको तीस क्लासें और कराई गई हैं और ध्यान रखिएगा सभी की सभी क्लासेज जो हैं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है यस यहाँ पर आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा बिल्कुल ध्यान रखिएगा सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा और यदि आपको किसी भी जानकारी चाहिए है ना किसी भी प्रकार की तो व्हाट्सअप नंबर छियानवे पचानवे बीस पैंतीस पचास पर जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं बिल्कुल देखिएगा आपका सिलेक्शन बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है बस आप अच्छे से कंटिन्यू स्टडी करते रहें हर एक चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो देखिए आज बात करेंगे हम लोग हाँ ये टॉपिक नंबर सत्रह है ध्यान रखिएगा टॉपिक नंबर सत्रह है थ्योरी का ये वीडियो है यहां पर बात करेंगे देखिएगा डिप्थीरिया है ठीक है डिप्थीरिया है ये टॉपिक नंबर सत्रह है डिप्थीरिया जिसे हम गलघोटू भी कहते हैं और इसे रोहिणी भी कहते हैं तो ये सारी चीजें भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है चाहे आप डिप्थीरिया कह लो चाहे आप गल कह लो चाहे आप रोहिणी कह लो अब आगे वीडियो में जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो देखिए क्या है देखिए बहुत इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हर जानकारी आपको मिलेगी तो डिपथीरिया ये जो है एक तीव्र संक्रामक बीमारी है ठीक है जो कि किससे होता है मालूम है ये जो है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है नंबर एक डिप्थीरिया जो है वो एक तीव्र संक्रामक बीमारी है और इसका कारण क्या है मालूम है इसका कारण है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया है ना यस नामक बैक्टीरिया ठीक है फिर से ध्यान रखिएगा कोरिने बैक्टीरियम डिपथीरी नामक बैक्टीरिया द्वारा जो है ये उत्पन्न होता है और यह बीमारी जो है ये मुख्य रूप से ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है तथा गले में खराश है ना इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लक्षण होता है सभी लोग मैं फिर बोलूंगा वीडियो को पूरा देखेंगे वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे साथ ही यदि इस चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे क्योंकि यहां पर आपको एक दिन में एक से ज्यादा वीडियो मिलेंगे साथ ही ठीक शाम आठ बजे जो है है ना ठीक शाम आठ बजे इस चैनल पर जो है लाइव क्लास होती है एवरीडे वो भी बिल्कुल निःशुल्क अब यहां पर देखिए ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है यह बीमारी मुख्य रूप से दो से पांच वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है बिल्कुल देखिएगा मुख्य रूप से दो से पांच वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है बिल्कुल ध्यान रखेंगे पॉइंट बहुत अच्छा है आगे इसका कारण जैसे कि मैंने अभी बताया तो इसका कारण जो है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु होता है है ना हाँ कोरिने बैक्टीरियम आगे डिप्थीरिया नामक जीवाणु होता है सभी लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल आगे डिप्थीरिया जो है वो मुख्य रूप से के संक्रमण द्वारा फैलता है इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे जो डिप्थीरिया है वो बिल्कुल मुख्य रूप से क्या बोलो बिंदु संक्रमण द्वारा फैलता है अब यहां पर देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है डिप्थीरिया से ग्रसित लक्षणिक अथवा अलक्षणिक रोगी के खांसने छींकने थूकने या यहाँ तक कि पता है तेज बोलने पर लार के साथ निकले रोगाणुओं का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अंता शोषण है ना यस कर लेने पर वह व्यक्ति भी जो है संक्रमित हो सकता है हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे बहुत गजब का वीडियो है ये आगे देखिए डिप्थीरिया की स्थिति में संक्रमित जो पदार्थ है ना वो निम्न हो सकते हैं कौन कौन हो सकते हैं सबसे पहले देखिएगा रोगी या वाहक के नाक अथवा ग्रसनी से जो निकले श्राव होते हैं आगे त्वचीय तो घावों से निकले श्राव जो हैं वो भी होंगे साथ ही यहां पर देखिएगा संक्रमित उपकरण जैसे बर्तन खिलौने आदि जो है यहां पर इसका देखिएगा बिल्कुल है ना यस ये भी कारण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर देख लीजिएगा उद्भवन ठीक है हाँ उद्भवन काल है ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और डिप्थीरिया रोग का जो उद्भवन काल है वो दो से सात दिन होता है देखिए कहीं कहीं आपको दो से चार भी मिल सकता है दो से पाँच भी मिल सकता है लेकिन एकदम से सटीक की बात करें तो दो से सात दिन होता है ये इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है है ना जिसका यस बॉडी जो है जिस तरीके का जो वो इम्यून सिस्टम रखता है उसी के अनुसार लेकिन ये समझ लीजिएगा बिल्कुल आपको इसी प्रकार डायरेक्ट जो है एग्जाम में मिल सकता है दो से सात दिन आगे इसके बाद बात करेंगे अब यहां पर देखिएगा हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल की। तो डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया का जो है प्रकार है और ध्यान रखिएगा यह बच्चों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का डिप्थीरिया है हाँ और इसके लक्षण जो है वो निम्न हैं अब लक्षण देख लेते हैं हम लोग तो देखिए निगलने में परेशानी ये इसका लक्षण है हल्का सा बुखार गले में खराश थकान महसूस होना हृदय धड़कन की दर का बढ़ जाना साथ ही टॉन्सिल तथा गले में धूसर पीले रंग की परत है ना बन जाना गर्दन के आसपास की लिम्फ ग्रंथियां भी आकार में क्या है बोलो बढ़ जाती हैं हाँ इसके बाद देखिएगा अगला प्रकार है लैरिंगो ट्रेकियल डिप्थीरिया अब इसके जो लक्षण है ना वो देखिए क्या है निम्न है बिल्कुल बुखार है बेचैनी है आवाज का भारीपन है अब यहाँ देखिए क्रूप कफ यस दूसर पीली झिल्ली बन जाने के कारण स्वर यंत्र में तीव्र अवरोध हो जाता है ठीक है अवरोध मतलब रुकावट है ना जिसके कारण कर्कश शब्द उत्पन्न करने वाली खांसी हो जाती है साथ ही देखिएगा श्वसन में कठिनाई होना हाँ गर्दन में सूजन ये भी हो सकता है और लिम्फ एडिनोपैथी है ना आगे बढ़ेंगे इसके बाद अब ये देखिएगा ये भी बिल्कुल इसका एक प्रकार है तो इस प्रकार को ध्यान से देखेंगे देखिए बहुत ही यूनिक सा वीडियो है ये डिप्थीरिया से और मैं इतना कहूँगा इससे ज़बरदस्त वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा तो पूरा वीडियो देखिएगा कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा ध्यान से सभी पॉइंट्स को पढ़िएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए हाँ इससे संबंधित बिल्कुल सारी की सारी देखिए टॉपिक सेवनटीन की जो थ्योरी है मैं करा दूं उसके बाद में जो है आपको बिल्कुल आपके लिए क्या लेकर आऊंगा बोलो इसी से एम सी क्यू ले कर ठीक है हाँ नेजल डिप्थीरिया की बात कर लेते हैं डिप्थीरिया का सबसे हल्का प्रकार होता है जो कि बहुत कम पाया जाता है ठीक है हाँ ये डिप्थीरिया का जो है सबसे हल्का प्रकार होता है ये बहुत ही कम कौन सा बोलो नेजल डिप्थीरिया अब सिक परीक्षण की बात कर लेते हैं तो सिख परीक्षण जो है यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति में डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है अथवा नहीं हाँ बिल्कुल सीख परीक्षण क्यों किया जाता है आप लोग समझ गए होंगे अब थोड़ा सा देखिए हम प्रबंधन पर बात कर लेते हैं ठीक है प्रबंधन मरीजों का उपचार तो रोगी को जो है तुरंत इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस मार्ग द्वारा डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देना चाहिए इसका जो डोज है वो बीस हजार से लेकर एक लाख आयु के मध्य होती है आयु का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल यूनिट होता है अर्थात अंतरराष्ट्रीय इकाई होता है आगे इसके बाद देखिएगा देखेंगे हाँ, रोगी को एक सप्ताह के लिए बेंजिल पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक देनी चाहिए अब बात करेंगे हम लोग वाहकों का उपचार वाहक वे व्यक्ति होते हैं जिनमें रोग के लक्षण अनुपस्थित होते हैं ठीक है परंतु यह रोग के संचारण में सक्षम होते हैं हाँ ध्यान रखिएगा रोग के जो लक्षण है वो तो अनुपस्थित होते हैं लेकिन ये इसका संचार करने में बिल्कुल क्या होते हैं बोलो सक्षम होते हैं फैलाने में आगे लगभग सात से दस दिनों तक मुंह द्वारा एंटीबायोटिक्स जैसे एरेथ्रोमेसिन है ना एरेथ्रोमाइसिन देनी चाहिए आगे देखेंगे अब नियंत्रण की बात कर लेते हैं ठीक है नियंत्रण के उपाय क्या हैं रोगी का शुरुआती अवस्था में पता लगाकर इन्हें अन्य व्यक्तियों से पृथक रखना चाहिए अर्थात अलग रखना चाहिए हाँ आगे बढ़ेंगे डिप्थीरिया के रोगियों तथा वाहकों का उचित उपचार करना चाहिए और इसके बाद देखिएगा बिल्कुल यह भी पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है रोगियों तथा वाहकों द्वारा उपयोग में लिए गए बर्तनों कपड़ों कपड़ों का मतलब जैसे जानते हैं ना रूमाल या जो भी कपड़े रूमाल है तौलिया है सब इसमें आ जाएंगे खिलौने जो टॉयज होते हैं यस आदि को सामान्य व्यक्ति द्वारा है ना उपयोग नहीं करने देना चाहिए बिल्कुल सभी लोग ध्यान रखिए क्योंकि ये क्या है बोलो संक्रामक रोग है बहुत तेजी से फैलता है अब रोकथाम के उपायों के बारे में जानते हैं तो देखिएगा पेंटाफाइव की वैक्सीन दी जाती है इसके लिए हाँ डी वैक्सीन दी जाती है डी वैक्सीन दी जाती है अब साथ ही यहां पर देखिएगा हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है शिशुओं के लिए डीपीटी टीका यस बच्चों के लिए तो देखिए पहला जो टीका होता है वो छः सप्ताह पर है ना छः सप्ताह का मतलब क्या हुआ बोलो डेढ़ महीने पर है ना हाँ लगाया जाता है दूसरा जो है वो दस सप्ताह पर और तीसरा जो टीका है वो चौदह सप्ताह में अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा वर्तमान में पहले तो ये अलग आता था लेकिन वर्तमान में अब यह तीनों टीके जो है वो पेंटा फाइव में ही सम्मिलित होते हैं ठीक है हाँ जो डीपीटी है वो पिंटा फाइव में ही सम्मिलित होता है सभी लोग ध्यान रखिएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आगे इसके बाद और सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण है आप थोड़ा सा ये देख लीजिए आप जान लीजिए हाँ ये सीधे सीधे बिल्कुल डीपीटी का पहला जो बूस्टर डोज होता है ना वो सोलह माह की उम्र पर लगाया जाता है डीपीटी का जो दूसरा बूस्टर डोज है वो पाँच से छः वर्ष यस yes, की आयु पर लगाया जाता है ठीक है ये बच्चों के लगाए जाते हैं ध्यान रखिएगा तो देखिएगा डिप्थीरिया से संबंधित मुझे लगता है कि आपको मैंने एक बहुत ही यूनिक सी जानकारी दी है ना यस एक बहुत ही यूनिक सी जानकारी दी है जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले यानी कि देखिए जब आप बेलाइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो मेरे सभी वीडियो का यस नोटिफिकेशन आपको मिलेगा पहले अर्थात आपको तुरंत जानकारी हो जाएगी हाँ तो बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा साथ ही फीडबैक देंगे बिल्कुल आपको एक यूनिक सी क्लास है आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे कि आपको ये डिथीरिया की जो क्लास है वो कैसी लगी टॉपिक नंबर ये सेवेंटीन है ओके थैंक यू एवरी मिलेंगे हम लोग आठ बजे वाली लाइव क्लास में